So, hi guys, welcome back to my channel. This is Ragini. Hope you are doing well. Yes. So, मैं ये second मेरा साड़ी कलेक्शन है, पार्ट टू है. जैसे कि आप देख सकते हैं कितना फैला हुआ है. मैं कैसे रखती हूँ, देखो फैला हुआ. सो मैं आपको दिखानी, वैसे मैं जो प्रॉपर है ऐसे इसी में करके रखती हूँ. ये मैं ऑनलाइन परचेज की हूँ, मीशो से की हूँ. मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी. बहुत ही अफोर्डेबल है. एंड नाउ मैं आपके लिए किताब से डेकोरेट करके रखा है. इधर आओ, इधर आओ, जूम कर शो. कितना प्यार से मैंने डेकोरेट करके रखा है साड़ी को. इधर उधर से दूर दूर के मैंने निकाला. ये मेरा पार्ट टू है. एंड पार्ट वन भी आप प्लीज आके जरूर देखिएगा. अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताने स्टार्ट करती हूँ मैं अपना साड़ी. सो ये मैं सबसे पहले इस साड़ी को दिखा रही हूँ. ये सितारा वाला साड़ी है ना, जो बहुत पहले चला था. ये मुझे मम्मी दी. आपको पता है मम्मी आज 10-15 साल बड़े भैया की सब शादी हुई थी, यानी बड़ी भाभी की शादी हुई थी 2011 या 9 में हुई थी. तब मम्मी खरीदी थी इसे. मम्मी खुद को पहनने के लिए खरीदी थी, बट नहीं, मम्मी पहना नहीं था. मम्मी इसे संभाल के रखी थी मेरे लिए स्पेशली. सो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है साड़ी. मैंने इसी बेबी के मुंडन पे पहना था. आपको मैं फोटो लगा दूंगी तो आप देख सकते हैं. मुझे पता नहीं इसका प्राइस क्या है. मम्मी यहाँ से खरीदी थी, चांदनी चौक से ये खरीदी थी. तो ये मुझे बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. मैं इसे संभाल के रखती हूँ. सो नाउ गाइस, जो मेरा सेकेंड साड़ी है वो है ये, जो कि ये रेडीमेड साड़ी है. मतलब इसमें सारा प्लेट्स एंड साड़ी सब कुछ बना हुआ है. मैं इसको भी 2-3 बार पहन चुकी हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ. इसे चंदन ने ड्रेप किया है. देखो कैसे चंदन ने इसे फोल्ड करके रखा है. ये इस पे वर्क इतना अच्छा किया हुआ. ये मेरे शोल्डर पल्लू का है. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. 2 मिनट में मैं इसे पहन के रेडी हो जाती हूँ. एंड नीचे इसका जो कपड़ा है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट है. तो इसे पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है. एंड नीचे इसमें भी फ्रिल लगा हुआ है. एंड नेट एंड मोती का वर्क किया हुआ, तो ये बहुत अच्छा लगता है. इसका ब्लाउज जो है वो भी पूरा प्रॉपर ऐसे सेम दिया हुआ. तो इसे मैंने फुल सिलाया है, तो बहुत अच्छा लगता है ये. एंड नाउ जो मेरा सेकेंड साड़ी है, ये भी सिल्क में है. बस इसमें बॉर्डर है. बॉर्डर देखिए कितना प्यारा है. ये मतलब रियली बहुत ही रिच लुक देता है इसको पहनने के बाद. मुझे ये साड़ी, अभी मैं गाँव गई थी ना, तो मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट दिया था. मतलब ननद ने, मौसी की बेटी लगती है मम्मी की, तो मम्मी की बहन की बेटी. सो हमारी ननद हुई है. तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है. दी ने मुझे गांव से परचेज किया था. आई थिंक ये 1100 का पड़ा था, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैंने इसे सोचा था मैं इसे करवा चौथ के दिन पहनूंगी, बट मैं इसे एक दो बार पहन लिया. एंड नाउ जो मेरा सेकेंड साड़ी है, ये है ब्लू. ये मतलब सिपोन या कौन सा है, बहुत सॉफ्ट है. फ्रिल में है, नीचे इसमें फ्रिल दिया हुआ है. फ्रिल है ना इसमें, हाँ. और ये जो प्लास्टिक का वर्क होता है ना, कुछ इसमें का है. बट पहनने के बाद इसमें भी बहुत अच्छा लुक आता है. ये मुझे मेरे बर्थडे पे मुझे बगल की एक आंटी ने गिफ्ट दिया था. मतलब मेरा जब फर्स्ट बर्थडे था आफ्टर शादी का, वो कोलकाता में हुआ था. तो वहाँ पर बहुत अच्छे से पापा ने, मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था पापा ने मेरा बर्थडे. रामायण हुआ था, फिर आसपास के सारे लोग बुलाए थे, बहुत लोग आए थे. एंड ये मेरी फेवरेट साड़ी है. मैं इसे परचेज की थी बड़ा बाजार से. अपने हल्दी के लिए मैंने इसे परचेज किया था, बट मैं फिर हल्दी में दूसरा लुक ही आपको दिखाती हूँ. ये साड़ी मैंने, इसका मैं आपको वीडियो दे दूंगी, मतलब साइड में लगा दूंगी. अभी मैंने कल या परसों पहना था. फिर ये फ्रिल चला था ना उस समय, मैंने इसे परचेज कर लिया था हल्दी के लिए. क्योंकि मम्मी बोलती हल्दी लग जाएगा फिर ये साड़ी खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे नहीं पहना था. ये देखिए पूरा हैंड वर्क है. देखिए बहुत ही अच्छा लगता है. इसका जो वर्क है ना, वो बहुत अच्छा लगता है. पूरा पहनने के बाद पूरा प्रॉपर बहुत ही खिलता है शरीर पे. मैंने इसमें भी वीडियो बनाया है, इसमें भी पिक्स है, मैं आपको लगा दूंगी.
बहन जो नेस्ट है, वैसे मुझे नेट की साड़ियाँ बहुत पसंद होती है। ये है नेट की, इसमें हैंड वर्क मतलब सूता और मोती दोनों से वर्क किया हुआ है। ये भी मम्मी मेरी शादी के पहले से ही परचेज की थी, तो इसे मैंने ज्यादा पहना नहीं है बिकॉज मेरी जो इसका जो ब्लाउज है ना वो छोटा हो गया, मतलब मैं मोटी हो गई। ब्लाउज ठीक करके फिर मैं पहनूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। एंड नाउ ये भी है नेट की साड़ी और इसमें वर्क किया हुआ नेट। ये मेरे शादी में यहाँ से मिला था, डाल पे चढ़ा था मुझे। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए इसे मैं अभी रिसेंट अपने बर्थडे में पहनी। एंड नाउ जो नेक्स्ट है वो है सिल्क वाइट एंड रेड में इसका जो है पाड़ा है, मतलब बंगाली का जो बंगाली फेवरेट साड़ी होती है ना, पूजा में पहनते हैं दुर्गा पूजा में। मेरे पास ऐसी साड़ियाँ थी नहीं, इसलिए मैंने अभी जल्दी जब गाँव गई मतलब कोलकाता गई थी भाई की शादी के लिए, तब मैंने इस साड़ी को खरीदा। वैसे मेरे पास एक था बट वो पूरा प्लेन था और बॉर्डर था रेड में, बट इसमें थोड़ा वर्क है। ये देखिए सिल्क का है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे मम्मी कुछ पूजा की थी बेबी के मतलब बेबी के होने के बाद तब पहनी थी। एंड मैं जो ने साड़ी दिखा रही हूँ ये है मेरी कॉटन की, ये मैं ऑनलाइन खरीदी थी। ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसका जो ये येलो बॉर्डर दिया है ये मुझे बहुत अच्छा, और इसका जो कॉम्बिनेशन है ना कलर का ये बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे ऑनलाइन शादी का मतलब मेरा डेट पड़ गया था शादी का, तब मैं ऑनलाइन देखती थी तो मम्मी को मतलब मम्मी उसमें मंगाई थी मुझे ऑनलाइन से। एंड नाउ जो नेक्स्ट है ये तो मैं इसे बहुत पहनती हूँ, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका कपड़ा जो है बहुत सॉफ्ट है, बस इसमें बॉर्डर है और इसमें ये मोती का मतलब बीच बीच में ना ये लरी लगा रखा है, देखिए ऐसा वर्क है और मोती का ये, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका ब्लाउज भी रेडीमेड था, इसका ब्लाउज भी रेडीमेड है, तो इसे मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, घर में पहनने लगी हूँ। एंड नाउ जो है ये पूरा ब्लू, वे भी पीछे से गेट बंद कर रही है। ये बीच में बहुत चला था, इसका कपड़ा देखिए कितना सॉफ्ट है और इसमें शाइनिंग भी है इस कपड़े में, पहनने के बाद पूरा बॉडी में मतलब एकदम चिपक जाता है, तो बॉडी का पूरा प्रॉपर शेप दिखता है इस साड़ी को पहनने के बाद। बट ये थोड़ा हैवी है इसलिए बहुत कम पहनती हूँ मैं, नहीं तो ये भी बहुत ही मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, नो बेबी नो। एंड नाउ जो कि ब्लैक है, आपको पहले मैं बता दी ब्लैक मेरा फेवरेट है, ब्लैक एंड गोल्डन में इसका वर्क है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, इसका बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है, तो इसे भी मैं अभी सैटरडे को ज़्यादा पहनती हूँ। इसको सैटरडे को ब्लैक साड़ी पहनते हैं ना, मतलब ब्लैक कलर, इसलिए मैं इसे कभी कभी जब साड़ी पहनने का मूड रहता तो इसको पहनती। ऐसा शायद मुझे ये चाची या कोई दिया था, चाची भी ऐसे सेम लेते, चाची का उनका बस येलो कलर था, ये तो पूरा सेम था। मैं आपको इसका भी पिक लगा दूंगी। एंड नाउ जो कि अभी की करेंट मेरी फेवरेट साड़ी है, ये मुझे मम्मा ने मेरे इस बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, मतलब मम्मा ने मुझे कोलकाता से भिजवाया था, मैं अपने बर्थडे के दिन पहनी भी थी। ये भी रेडीमेड साड़ी है, इसे मैंने ब्लॉग भी मतलब वीडियो भी बना के डाला है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसका जो ब्लाउज है ना वो बहुत है, इसका प्राइस शायद 2200 या 2500 था कुछ, बड़ा बाजार से बंदना ने खरीद के मुझे भेजा था। इसका ब्लाउज देखिए कितना प्यारा है, मेरी फ्रेंड बंदना ने इसे परचेज किया था, मम्मा ने बोला था, तो मम्मा की तरफ से इसका मेरे बर्थडे का गिफ्ट है। मतलब रेडीमेड साड़ी भी मेरे पास 2-3 हो गए हैं। नाउ मेरे पास जो है इसमें मैं रखती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं इसे रेगुलर वेयर में यूज कर लेती हूँ। ये है, ये भी सितारा का बहुत पुराना, मम्मी रखी थी मतलब पहले से चलता था ना, बट इसका लुक अभी मैंने अभी अपने हल्दी मैंने DIY किया था हल्दी का, तो उसमें मैंने पहना था, सॉरी हल्दी नहीं मेहंदी के टाइम में, मैं अपने एनिवर्सरी के पहले मेहंदी का ब्लॉग शायद पोस्ट नहीं हुआ बट है, अगर बोलिएगा तो मैं आपको दूंगी। एंड नाउ ये बंधनी साड़ी है जो कि मम्मी अपने लिए परचेज की थी, करवा चौथ के टाइम मम्मी पहनी थी, फिर मम्मा मुझे दे दिया। एंड जो मेरे साड़ी है ये क्या बोलते हैं चुनरी पैटर्न में,
इसे मैं उस थैले में पैक करके रखती हूँ, कभी काल इसे पहन लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छा लगता है, मैं अभी गाँव गई थी, गाँव में था इसे उठा लें। एंड ये जो बहुत ही प्लेन और वैसे से बॉर्डर है, मम्मी खुद के लिए इसे परचेज की थी, बट इसमें ये जो है ना लगा हुआ, ये मम्मी को लगता था, बोलती थी चाकू सा जैसे डूब जाता है, इसलिए मम्मी मुझे नहीं दे दी थी। सो गाइज अभी ऐसे बहुत सारा और है, अगर बोलिएगा तो मैं अपना वेडिंग वाला जो वेडिंग के टाइम में पहनी थी, अगर आपको वो बोलेंगे तो मैं आपको वो लाऊंगी स्पेशली। सो गाइज ये है मेरा साड़ी कलेक्शन। एंड नाउ एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी सिल्क में है। देखिए मैं इसे लास्ट शायद जन्माष्टमी के टाइम में पहनी थी, सो ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसके कपड़े में भी शाइनिंग है, इसके कपड़े में भी शाइनिंग है, इधर उधर करो तो ना अलग अलग कलर दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज ये था मेरा सेकेंड पार्ट टू ब्लॉग, मतलब वीडियो साड़ी पे, साड़ी कलेक्शन पे। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। प्लीज़ जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।